रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी की यात्राओं का दौर चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी जन जागरण यात्रा निकाल रही है। जन जागरण यात्रा लेकर पन्ना पहुंचे कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक जीतू पटवारी ने सीएम पर निशाना साधा, तो वहीं खुद भी सीएम बनने की मंशा जाहिर कर दी। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में अब चंद महीने बचे हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज जहां अपने विकास कार्यों को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी उनके पीछे पीछे जन जागरण यात्रा निकाल रही है। इसी के तहत कांग्रेस की जन जागरण यात्रा पन्ना पहुँची। सिमरिया अमानगंज में यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की और सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और प्रदेश के सीएम 40 फीट ऊंचे रथ पर सवार होकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जन आशीर्वाद मुख्यमंत्री आशीर्वाद जनता के पैसे से खरीदने निकले हैं और हम जनता को जन जागरण करने निकले हैं। भीड़ हमारी बिना लाए हुए इतनी होती है, अपने आप इस बात का घोतक है कि सरकार बदलने वाली है। वहीं पत्रकारों के सवाल पर कि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जीतू पटवारी ने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं विधायक और मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो उसको और मुख्यमंत्री पद के लिए अनुभव मांगता है, वेट करो बनूंगा। इसी बीच पवई से कांग्रेस विधायक मुकेश नायक ने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महात्मा गांधी के समय से ही गुटबाजी है, तो वहीं बीजेपी में भी अंदरूनी गुटबाजी की बात कही। सभी राजनीतिक दलों में गुटबाजी होती है, कांग्रेस में भी गुटबाजी है, बीजेपी में गुटबाजी नहीं है क्या? परंपरा से रही, कांग्रेस में तो महात्मा गांधी के जमाने से गुटबाजी रही है, बीजेपी में गुटबाजी नहीं है क्या? ऐसी गुटबाजी है कि बिल्कुल वहाँ यदुवंशी युद्ध चल रहा है, आंतरिक रूप से दिखाई नहीं देता। कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में गुटबाजी की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में लगे हाथ जीतू पटवारी ने मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकता की शपथ भी दिला दी और विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए जी जान से काम करने की नसीहत दी। लेकिन इन सब का कार्यकर्ताओं पर कितना असर हुआ और जन जागरण यात्रा को जनता कितनी संजीदगी से ले रही है, इसका पता विधानसभा चुनावों में ही लगेगा। पन्ना से विकास सेन के साथ टीम नेशन टुडे। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी जन